ये देखें लल्लग ऊपर बैठ कर शेयर कर रहा है, उतर गया अब दोस्तों। ये देखें अगर इनको काउंट करना चाहिए, काउंट भी नहीं कर सकता, सब एक जैसे कलर के और माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इनको खोलते हैं, ये देखें लल्लग ऊपर भाई किस तरह शेयर कर रहा है। ये बोलते हैं ना जो मदर की वो होती है, मतलब तो झूला दो आ गए, हम देखें झूला झूलने आ गए दोनों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आज? आई होप कि आप सब होंगे खैरियत से। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को, काफ़ी दिन से बोलो सब्सक्राइब कर दो, तो काइंडली आज अपने सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आज के लोग हम करते हैं इसे शुरू। तो दोस्तों इनको बाहर निकालते हैं हम, उसके बाद आज हम अपनी डव से मिलेंगे। हमारी डव 3-4 दिनों को अंडों पर बैठी हुई है, तो उससे भी मुलाकात करनी है आज। अब बाहर निकलो लल्लो, लल्लो बाहर निकलो भाई। ये देखें लल्लो, लल्लो को दानों की ज़रूरत नहीं होती अब, लल्लो को बस निकालो बाहर और लल्लो भागती है यहाँ से। तो दोस्तों आज चलते हैं अंदर और हमारी डव अंडों पर बैठी हुई है, उससे मिलते हैं आज। और उसके बाद हमारी मुर्गी के अंडों पर बैठी हुई, उससे भी मिलते हैं। तो हमारी और तुम्हारे बजीज भी, एक फीमेल बजीज भी अंडों पर बैठी, उससे भी मिलते हैं। और क्या है, दो फीमेल बजीज अंडों पर बैठी, उनसे भी मिलते हैं। तो अंदर चलते हैं आज यहाँ से। दोस्तों अंदर आने के लिए लाइट का ऑन करना लाजमी था, कैमरे की लाइट ऑन की, उसके बाद क्या बंदर आए, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और यहाँ पर ये समझे कि यहाँ पर दरवाजे मतलब कमरे बने हुए हैं अंदर। तो सबसे पहले अपनी वाइटो से मिलेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे अपनी डव से। तो जो है कि हमारे वाइटो कमरा ये वाला है। हाँ वाइटो, वाइटो तैयार बैठी जाने के लिए। कैसे रखे अंडे दिखाओ, अंडे दिखाओ भाई, अंडे सारे सेफ रखे हैं। कितने अंडे आज, अंडे काउंट कर लेते हैं, 4, 2, 6, 6 और 3, 9, 9 और 2 भाई, 11 अंडों पर हमारी बैठी हुई है वाइटो, 11 अंडों पर दोस्तों बैठी हुई है। और तो बच्चे देखते हैं कितने निकलेंगे, बहरहाल 11 अंडों पर बैठी हुई है। चलते हैं डव से मुलाकात करते हैं। दोस्तों हम अंदर आए, हमें एक नई चीज़ नज़र आई कि हमारी जो डव अंडों पर बैठी हुई है उसको मेल है, उसका पता नहीं दूसरा मेल है, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पूछते हैं क्या मसला है, आखिरकार की वजह क्या है, तो आप इसको मार क्यों रहे हो। तो इसको ओपन करके इससे लेते हैं खबर चार। या वैसे ही दोस्तों इनका एक, अगर बहुत से होते हैं ना इनकी, मतलब एक वो होती है तरीक़ेकार होता है, तो शायद वो हो, मुझे लग रहा है जैसे मार रही है। दोबारा चेक कर लेते हैं क्या क्या मकसद है इसका भाई। ये भी दोस्तों फीमेल को मारने की कोशिश कर रहा था, और ये वाला इससे भी लड़ाई कर रहा था, ये बैठा हुआ है ये वाला, इससे लड़ाई कर रहा था, इसकी वजह से मेरे ख्याल मारने की कोशिश कर रहा था इसको। इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे देख, ये देखो दोस्तों अभी जो है ना ये वाली मार, ये मेल जो है इसके साथ बैठा हुआ है, मेल है पता नहीं फीमेल, ये चला गया है। तो दोस्तों इसके लिए चेक करते हैं, ये 2 ही अंडों पर बैठी हुई है या उसके बाद इसने एक और अंडा दिया है। तो आज देख लेते हैं, काफ़ी दिनों का हमने देखा नहीं है। साइड में भाई ये देखें, दोनों आ गए गार्ड, तो साइड में ना भाई थोड़ा अंडे चेक करा दो, अंडे चेक करो, नहीं मारा कुछ नहीं करा, अंडे चेक कराओ भाई, 2 अंडे हैं, अंडे चेक कराओ। तो भाई ये 2 अंडों पर बैठी हुई है हमारी डव प्यारी सी, और ये गार्ड ये बैठा हुआ है, और एक गार्ड ये बैठा हुआ है यहाँ। और यहाँ पर दोस्तों हमारी फीमेल अंडों पर बैठी हुई है, तो इससे भी खबरदार करते हैं ज़रा भाई। ये देखें 2 अंडों पर बैठी हुई है ये, दोस्तों 2 अंडों पर बैठी हुई है, और एक ऊपर मटकी के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक बैठी हुई थी अंडों पर। इसको देखते हैं इसके नीचे कितने अंडे हैं और कितने अंडों पर बैठी हुई है। तो भाई निकलो, ये चली गई बाहर, और इसकी हम कर लेते हैं भाई। इसने भी माशाल्लाह से फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों फीमेल 2-2 अंडों पर बैठी हुई है, वो हमारी डव भी 2 अंडों पर बैठी हुई है, हमारी दो फीमेलें भी 2 अंडों पर 2-2 अंडों पर बैठी हुई है। तो ये बहुत अच्छा सरप्राइज है, बहरहाल वेट करेंगे हम जब इनके बच्चे निकलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखें इनका पता नहीं क्यों लड़ रहा है, ये बोल रहा मेरी वाइफ है, ये बोल रहा मेरी वाइफ है, इनका झेड़ा चल रहा है, और वो अंडों को संभाले बैठी हुई है। चलो हमें तो अंडों से जब मतलब है, अंडों को संभाले बैठी हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं हमारे पार्टे से खर्चा करते हैं, हमारी डक्स भी बंद पड़ी हुई है, उनको भी ओपन कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं बंद, इस मटकी में कुछ आया है, इस मटकी में भाई कुछ भी आया, इसमें हमारे बजेस जाते ही नहीं, पता नहीं क्या है ये घर इनको अच्छा नहीं लगता। देखें कितना प्यारा घर बनाया हुआ है, ये घर इनको अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो ये लो भाई ये हो गया है बंद। भाई सुबह सुबह आता हूँ विलो बनाने, तो बच्चे देखें जकरिया भी आ जाता है, ये बड़े शौकीन है, और साथ तो मेरे साथ ही होता है उस्मानी, गाइज कर दो, गाइज गाइज सलाम कर, चलो भाई सलाम कर, गाइज करें, गाइज ऐसे करें, गाइज गाइज। तो भाई ये बच्चे बेचारे शौकीन हैं, और आपको पता है लेकिन ये डक से बड़े डरते हैं, ये हमारे जो डक से इनसे जक्की खान ये सारे इनसे डरते हैं। तो इसको ओपन करते हैं अभी, देखना सारे जितने यहाँ पर खड़े हुए ना, 3-4 जितने बड़े यहाँ से ऐसे गायब हो जाएंगे डक्स खुलने खोलते ही। आ जाओ भाई, देखें भाई, आ जाओ। चलो भाई ये देखें, माशाल्लाह, निकलो 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 भाई, ये रवाना कर दिया मैंने इनको, और अब हम
खोलते हैं, मुर्गियों को खोल देते हैं। यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ हैं और दोस्तों आपको नया जुगाड़ दिखाता हूँ। हमारा जो है कि पिंजरा टूट चुका है, इसका भी जुगाड़ करना है। ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ से टूट चुका है, तो इसका जुगाड़ करेंगे। तो ये देखें भाई साहब, ये दरवाज़ा हमारी इस तरह से खुलेगा। ये चलो निकलो, आ जाओ 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 टेलर। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे पास जो हमने एक रेड हसील बाय किया था, वो बाय नहीं किया था हमने, एक मतलब दोस्त से बोरो उधार किया था, बोरो लिया था, तो उसको मैंने वापसी कर दिया, क्योंकि यार वो जालिम मुर्गा था। हमने मुर्गियों के लिए लिया था, मुर्गी अंडे दे चुकी है और उसके बाद अब उसका काम नहीं था, तो मैंने उसको वापसी कर दिया। तो यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए, वो देखें वो बैठे हुए, तो वो निकल जाएंगे। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। तो दोस्तों ये खुद निकल जाएंगे बाहर, ये असल में छोटे छोटे हैं तो बड़ी मुर्गियों से डरते हैं, तो ये आखिर में निकलते हैं, तो इनका कोई मतलब खतरा नहीं है, तो आराम से इजीली निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसका हम पता क्या करेंगे, इसका हम शॉर्ट का जुगाड़ करेंगे इस तरह से। नहीं लग रहा, लगा 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 भाई। ये देखिए हमारा दरवाज़ा बन चुका है फाइनली, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं अच्छे से भाई। ये देखें यहाँ से हमारा दरवाज़ा था, अभी इसको ऐसे बंद कर दिया करेंगे यहाँ से। जुगाड़ी तब तक ये नया ना बने, तो इसका जुगाड़ इस तरह ही होगा, इसको यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ से इस तरह खोल लिया करेंगे। बस आरजी तौर पे कुछ जुगाड़ हो गया है, फिलहाल इसको हल्का फुल्का सा खोल देते हैं ऐसे। इन दो बकरियों से मिलते हैं, जो हमारी बकरी बीमार थी, तो एक बकरी के पास मैं खड़ा हूँ। ये देखें, ये काफ़ी हद तक मतलब सेहतमंद है, कमज़ोर तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी सी सेहतमंद मतलब जान इसके अंदर आ गई है। जो इसकी बीमारी थी वो ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बकरी बीमार थी और इसके दो बेबीज़ थे, एक ये वाला था और एक वो वाला था, तो दोनों बकरी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेबीज़ भी जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बकरियाँ वगैरह बंदी हुई, इनको दाना वगैरह खिलाना था, तो इनको मेरे ख्याल से दाना वगैरह खिला दिया है, क्योंकि दाना वगैरह नहीं खिलाते क्योंकि अभी इनका जो सीज़न जो चल रहा है, अभी गंदम वगैरह खाती हैं फसलों में जाके, क्योंकि अभी गंदम की फसलें उजाड़ी गई हैं, तो वहाँ पर गंदम वगैरह खाती हैं, तो घर पर इनको गंदम कम खिलाते हैं, जिस दिन नहीं जाती चरने उस दिन इनको खिला देते हैं। तो देखें वहाँ पर हमारे छोटू ग्रुप के बेबीज़ और कुछ बड़ी बकरियाँ, और वो देखें दो ये बैठे हुए, थोड़ा जूम में दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखें एक ये रहा छोटू ग्रुप का एक बच्चा, ये रहा, और कुछ यहाँ पर हमारे ये जो बकरा ईद पर सेल होने बकरे दोनों, चीता बिरादर इनका नाम रखा हुआ है, ये यहाँ पर खड़े हुए, और ये दोस्त इधर आओ, दोस्त दोस्त भाई, दोस्त लिफ्ट निकला आज, दोस्त दोस्तों हमारे पार्टा ही बोल रहे, दोस्त लिफ्ट निकाल भाई, वीर की कॉपी आ गई है और वीर ये सारे आ चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं पर एंड, आई होप आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें, हमारे डेली व्लॉग अब तक आसानी पहुँच जाएँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।